ये बड़ी आज का जो हमारा ब्लॉग है वो है JDC शालीमार पार्क रिजर्वर। और आज हम ये पार्क में आए हुए हैं, देखते हैं क्या है भाई। सनसेट देख रहे हो कितना ज़ोरदार क्लासिक है, मतलब मज़ा आ जैसा है। ये मतलब एक राउंड पूरा 2.5 किलोमीटर का है, 2.5 किलोमीटर्स। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर कलाकार, और आज का जो हमारा व्लॉग है वो है JDC रिजर्वर का, और हम उसके अंदर ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं। उसके मैं आपको काफ़ी सारे शॉट्स दिखाऊंगा, व्यूज दिखाऊंगा, अच्छे अच्छे शॉट्स। पार्क उसके पीछे है रिजर्वर तालाब, जी JDC तालाब भी बोल सकते हैं इसको। अब हम इसका पूरा ग्राउंड लगाएंगे और आपको प्राकृतिक से मिलवाएंगे। वो सामने कौन है? कुत्ते भाई साहब, नमस्कार। आपको रखवाली पे रखा गया है यहाँ पे, और ये सब यहाँ पे छठ पूजा के लिए यहाँ पे सब लगा के रखते हैं। छठ पूजा में जो बनाते हैं स्थान, उस स्थान यहाँ पे वो पूजा भी होती है। और यहाँ पे मैं पहले बहुत आता था रनिंग के लिए, लेकिन फिर मैं जिम जाने लगा, लेटेस्ट हो गया, अपडेट हो गया मेरा वर्जन, और मैं जिम जिम जाने लगा। फिर यहाँ पे मैंने आना बंद कर दिया क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था मेरे को। तो आज मेरे को बहुत दिनों बाद टाइम मिला क्योंकि आज संडे है, प्लस मेरे को टाइम मिल गया, घर पर भी कोई था नहीं, मैं बहुत बोर हो रहा था। सोचा आज मेरे को मेरी पुरानी जगह पर जाना चाहिए, मेरी हवेली पर। तो कलाकार हवेली पर आ गए, और हवेली का भी आप देख सकते हैं। इंसान के द्वारा बनी हुई चीज़ें आप कितनी भी अच्छी हो, कितना भी उन लोगों ने सजावट किया हो, कितना भी डिजाइन किया हो, कितना भी इंटीरियर लगाया हो, लेकिन जो प्राकृतिक से हमको मिला हुआ है ना बागवट, मतलब उसको कोई फील नहीं कर सकता। उसकी जैसी डिजाइन, उसके जैसा रंग, उसकी जैसी हवा, उसके जैसा पानी कभी आपको कहीं मिलेगा नहीं। तो मेरा तो ये मानना है कि कुछ भी कहीं पर भी हो, लेकिन प्राकृतिक से हमको जुड़े रहना चाहिए। हवा से हम जुड़े हुए हैं, पानी से भी जुड़े हुए हैं, मतलब पेड़ पौधे और मिट्टी, इन सब उस हमको जुड़वा रहना चाहिए हमेशा। ये व्यू बोलो आप कैसा है, क्लासिक है ना, कि मुझे ये व्यू बहुत बेस्ट लगता है, बेस्ट एकदम बेस्ट। और वैसे भी मैं इन सब चीज़ों से बहुत लगाव रखता हूँ, पेड़ पौधे, मिट्टी और पानी, या मतलब क्योंकि आपने देखे होंगे मेरे ना उससे पहले जो 2-3 लोग हैं ना, मतलब वाटर पार्क होंगे और ये मतलब पानी के होंगे, क्योंकि मुझे पानी में रहना ज़्यादा पसंद है। मछली नहीं हूँ, जलपरा नहीं हूँ, लेकिन अच्छा लगता है यार। और अभी मैं आपको बहुत बेस्ट शॉट दिखाता हूँ। हाँ, वो थोड़ा दूर से लिया था, ये थोड़ा नज़दीक से लिया हुआ है, तो आप देख के मतलब मुझे बताना कि ये व्यू है कैसा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो, कमेंट नहीं करते हो, तो मुझे मालूम कैसे चलेगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा। और अगर आप मेरे वीडियो पे कमेंट करोगे तो मुझे मुझे पता चलेगा ना कि तेरा भाई मेहनत कैसी कर रहा है, समझा क्या? तो थोड़ा सपोर्ट बना के रखो यार मेरे लिए। अभी तक एकदम बेस्ट हुए भाई लोग। यहाँ पे आर्मी की फिजिकल की तैयारी के लिए, रनिंग के लिए काफ़ी सारे बच्चे आते हैं रनिंग की तैयारी करने के लिए, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देख लो भाई, बंदा फुल तैयारी में आर्मी की, मस्त जोरदार। ये शॉट्स मैंने 2-3 बार लिए हुए हैं। हम लोग जो व्यू देख रहे हैं कब से का, वो ये व्यू थोड़ा नज़दीक से, लास्ट इतने नज़दीक से ले सकते हैं। अंदर गार्डन एरिया दिया हुआ है बैठने के लिए, प्राकृतिक की देन है भाई। अब ये धरोहर ही हम अगर नहीं संभाल के रख सकते हैं तो फिर रहने तो फिर तुमसे ना हो पाएगा। घर जाओ बेटा, आराम करो, चिल आउट करो, खाओ पियो मौज करो, ऐसे भी तुम धरती पे बोझ बने बैठे हो। देख लो भाई लोग, और क्या ही होगा नज़ारा। पार्क से कहानी जुड़ी हुई है, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ कि जब मैं सिटी में रहता था तब मैं जवाहर पार्क में जाता था रनिंग वगैरह के लिए, घूमने फिरने के लिए। और उसके सामने मतलब स्वर्णिम लेक व्यू बना हुआ है, जो मैंने आपको फर्स्ट व्लॉग में दिखा दिया था उसका व्यू, और मेरा वीडियो बनाया हुआ है। और ये पार्क का और ये रिजर्वर का मैं बहुत बाद में बना रहा हूँ,
तो कहानी गई तेल लेने। कहानी से क्या मतलब है, तुम मेरी बातों पे ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूँ। देख लो भाई, सामने जो व्यू आ रहा है जोरदार खतरनाक व्यू आ रहा है। तो आज मैं ज़्यादा केरला स्टोरी मूवी देखने के लिए गया था। वो मूवी मतलब एकदम रूह कपा देने वाली है भाई। उसमें स्टोरी स्टार्टिंग में है, डिस्क्रिप्शन में, कि स्टोरी रियल है। तो अगर रियल है तो हिंदुस्तान की वो हर एक लड़कियों को देखना चाहिए जो टीनेज में है, जो प्यार इश्क के गलत चक्कर में पड़कर अपने आप को भुला देते हैं और कुछ ऐसा काम कर देते हैं जो उनके लिए सही नहीं है और उनकी फैमिली के लिए सही नहीं है। तो प्लीज़ एक बार ये मूवी देखें। फ्रेंड्स, मैं मिस्टर कलाकार आपके साथ में हर बार जुड़ता हूँ और अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाता हूँ आपको, लेकिन आप है ना अच्छी अच्छी कमेंट नहीं करते हो, अच्छी अच्छी लाइक नहीं करते हो, तो मुझे उससे बहुत तकलीफ़ होती है। तो प्लीज़ मेरे लिए लाइक कमेंट शेयर करो, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, इतना तो आप कर ही सकते हो कलाकार के लिए। नारियल के पेड़ की क्या दशा कर दी, उसको क्या समझूँ मैं हैं भाई कुछ भी बताओ सही है, घूमने वाली जगह कि नहीं है। अरे बहुत चिल मारने वाली जगह है भाई, आप खाली आओ तो सही और यहाँ पे घूमो सही। हबीबी कम टू JDC रिवर पॉइंट। भाई लोग, मैं बहुत थक गया हूँ। फाइनली 45 मिनट से चल रहा हूँ कंटिन्यूसली, अभी तक भी तालाब का नाम ख़त्म नहीं हो रहा है और आप लोग पानी भी नहीं पूछ रहे मुझे। इतनी दोस्ती भाई से गद्दारी कर दी ना दोस्ती ख़राब। लो कोई नहीं, तू नहीं तो मैं नहीं, भाई नहीं, देखो अभी तक भी मैं चल रहा हूँ, अभी तक भी नाम ख़त्म नहीं हो रहा है। ओ भाई साहब क्या करें। ये देखो कौवे कुछ खा रहे थे लेकिन मेरे आते ही सब उड़ गए, डिस्टर्ब किया, लेकिन ये व्यू लेने में ज़रूरी था। ये कौवे कुछ खा रहे थे, मेरे आते ही सब उड़ गए, उन्हें लगा कोई आ गया हमारी प्रजाति का, हमसे खाना छीन लेगा। मतलब भाई साहब बैठने के लिए जगह बहुत सही है, छिल मारने के लिए। तो आप भी आओ कभी अपने फ्रेंड्स के साथ में, यहाँ पे जरूर मिलो, विजिट करो और छिल मारो। और यही वो नहर है जिसका पानी तालाब के अंदर इकट्ठा होता है। तो फाइनली हम लोग फिर से तो फाइनली हम लोगों ने अपना एंड कर दिया है ग्राउंड, और आज का हमारा व्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। ये बढ़िया, तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग के लिए। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना अगर आप चैनल पर नए हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।